भारत की आजादी में छोटे छोटे गांव का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। गांव के इस योगदान को एक जगह प्रस्तुत होते हमने कम देखा है। नमस्कार, मैं दीक्षा शुक्ला आज आप सभी को उन इतिहास के पन्नों तक लेकर जाऊंगी। 1942 का दौर आजादी की यात्रा का पहला पड़ाव माना जा सकता है, जिसमें उत्तर प्रदेश का बलिया या कर्नाटका का इसरो गांव आजाद हुआ था। उड़ीसा का भी एक ऐसा ही गांव है, जिसकी कहानी हम वहां के सांसद श्री मुरलीधर जी से सुनेंगे। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के जैसी ही इनके भी गांव में एक घटना हुई थी, तो आइए उनसे ही सुनते हैं। मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि सर भद्रक के पूर्व MP रहे हैं और मेरे कार्यालय में चल के आए हैं। मित्रों, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा कि इतने सम्माननीय व्यक्ति आपके कार्यालय में आए और आपसे बातचीत करें। सर के पिताजी फ्रीडम फाइटर रहे हैं और इसके अलावा इनका गांव उड़ीसा के स्वाधीनता इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम रखता है। शहीद नगर, शहीद नगर नाम से है। तो नाम एक्स चीफ मिनिस्टर नवकृष्ण चौधरी दिया। तो सर से मैं इसी विषय में भेंट वार्ता कर रहा हूं और ये बहुत अच्छा संदेश है आप लोगों के लिए। अगली चर्चा में फिर सर बताएंगे अपने गाँव के बारे में। सर, आप बता रहे थे कि 1942 से पहले आप लोगों ने, हाँ 1942 में आप लोगों ने एक आजाद गांव बना दिया था या उसको राज। हमारा पिताजी साथ साथ कुछ फ्रीडम फाइटर से बस्टम नायक एंड अदर्स दे डिक्लेयर्ड दूसरी एरिया वेयर माई विलेज इज सिचुएटेड, स्वाधीनता डिक्लेयर कर दिया। इसीलिए ब्रिटिशर्स बिकेम वेरी फ्यूरियस एवं परंतु वो एरिया को बहुत मैंने विप्लवी एरिया वाली सोच के इंग्रेज 21 सितंबर 1942 में से हमें अटैक किया गवर्नमेंट के साथ। वो कुछ लोग का अरेस्ट हुआ, फिर मेरा पिताजी फर्स्ट अरेस्ट हुआ, मिस्टर पागल जेना। अच्छा, अरेस्ट हुआ, उनको पुल करके 1 किलोमीटर पुल करके ले लिया, जो फायरिंग टुक प्लेस इन शहीद नगर, ये वाला शहीद नगर, ये वाला शहीद नगर। हाँ। वो शहीद नगर है। अच्छा। नुनिया कोटसाई विलेज। अच्छा, कोटसाई विलेज। हाँ। वो जो जो प्लेस में फायरिंग टुक प्लेस, वो दिस इज ए वो प्लेस एक जंगल था छोटे से। जी जी। वो जंगल में उनका पहले सतर्क था, जब कोई विपद आएगा, कोई डेंजर सिचुएशन आएगा, वो शंख बजा। अच्छा, शंख बजाते थे। हाँ। शंख बजाएगा। हाँ। तो शंख बजाने से इसीलिए सारा एरिया घूम गया। अच्छा, दौड़ अच्छा। गया। हाँ। सो लगभग विदिन मैंने 1-2 घंटा शाम टाइम में ज्यादा से ज्यादा 4,000 लोग एकत्रित हो गया। 4,000 से ज्यादा। जी जी। एकत्रित हो गया। हाँ। दे वो लोग मिल के जंप करके बंदूक छीन लिया। हाँ। गन छीन लिया पुलिसमैन का, पुलिस का हाथ में। तो वो पुलिस वाला जो फोर्स है ना, वो पकला पकले करके उनको, वो लोग को, जे हम तुम्हारे लिए नहीं, हम तुम्हारा भाई है, हम तुमको मारने के लिए आए हैं नहीं, समाधान के लिए आए हुए, हम तुम जब हमारा बंदूक ले जाएगा, हमारा नौकरी चल जाएगा, इसीलिए पता पला पली करके उनको बंदूक ले लिया। अच्छा, वापस ले लिया। वापस ले लिया। अच्छा, वापस अच्छा। लेने के बाद ब्लैंक फायरिंग किया। ब्लैंक फायरिंग किया, लोग सोचा कि समाधान हो गया, तो थोड़ा लोग चले गया, जो लोग था वो दौड़ने के लगा, वो स्पॉट में 9 लोग स्पॉट में एक्सपायर कर दिया। ओहो, तो आप बता रहे हैं उसके बाद फिर इरम में दूसरा क्रांति। हाँ, में उनका 7 दिन बाद 29 तारीख को, वो सितंबर 22 तारीख को। जी जी। इरम सितंबर 29 तारीख को, वो शहीद नगर का जी सर, जो मैंने जो कटसाई लुनिया। हाँ। कटसाई लुनिया में जो घटना हुआ, वो घटना के विवरणी के तर्जमा करने के लिए कहाँ पर वो एक मीटिंग हुआ था। अच्छा। इरम में। हाँ। वो मीटिंग स्पॉट में फायरिंग हुआ, मतलब अंग्रेज लोग आके वहाँ फायर किया। हाँ, अंग्रेज ने। हाँ। वो उड़ीसा लोग
हाँ, तो पुलिस वाला फायरमैन हाँ, फायरिंग किया। अच्छा अच्छा, वेरी सेंसिटिव एरिया वो हो गया हाँ। तो इसीलिए जो कटसाई जो लुनिया में जो कटसाई में जो फायरिंग हुआ जी, ये बिकम मोर फ्यूरियस सेंसिटिव हाँ। तो देन वो मैटर का डिस्कशन के लिए यहाँ से मीटिंग हुआ। कहाँ से? आपके इरम से? नहीं, इरम से, इरम से हाँ। वो पूरा जो किया क्या किसा बोले वो पूरा एरिया वो घेर लिया उन लोगों ने, वो घर घेर गया हाँ। वो लोग नहीं जा पाया। अच्छा अच्छा, वो स्पॉट में फायरिंग हुआ हाँ। स्पॉट में मोर देन 29% एक्सपायर किया। ओहो, ये तो बहुत ज्यादा हाँ। अच्छा, आपकी उम्र क्या थी उस समय? अभी उस समय कितने साल के आप थे? 1942 में मैं नहीं पैदा हुआ। अच्छा, आपके पिताजी वगैरह बताते हैं? पिताजी का आने का जेल में आने का बाद हाँ, 45 में पैदल में निकल। अच्छा अच्छा, तो पिताजी को जेल भी जाना पड़ा हाँ, था उसके लिए। 3.5 वर्ष जेल में था, उनका बहुत सजा, बड़ा सजा हुआ हाँ। लेकिन सारा इंडिया में जितने फ्रीडम फाइटर्स है ना, उनको सब निकलने के लिए ऑर्डर हुआ। इसी ऑर्डर पर मेरा पिताजी निकल आया। अच्छा, 45 में। तो एक चीज बताइए, जैसे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे हाँ। मेरे दादाजी भी फ्रीडम फाइटर हाँ। थे, लेकिन क्या हुआ, इनका घर और जला दिया गया, ये लोग छोड़ के चले गए हाँ। तो उसमें फैमिली को सफर करना पड़ता है। हमको नहीं, पिताजी तो दोषी है हाँ। उनको ले गया, लेकिन पिताजी के लिए मेरा ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर वो दोनों को भी अरेस्ट किए कर गया। वो 1-2 साल विदाउट पनिशमेंट में, 1-2 साल जेल में रुका। वो फिर वापस आने के बाद पिताजी तो पनिशमेंट हो गया 3.5 साल, बहुत ज्यादा साल को। तो बहुत ज्यादती थी उस समय अंग्रेजों की। सर, आप इंजीनियरिंग किए किस उसमें, डिसिप्लिन में? मैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पास किया 75 में। तो फिर अचानक पॉलिटिक्स में? नहीं नहीं, 75 में मैं नौकरी किया, 76 में जी सर। नौकरी के सामने में मैं, मेरा पिताजी तो फ्रीडम फाइटर है, वो कांग्रेस का आदमी है, तो इसीलिए मेरे को बार बार प्रेशर आया कि तुम कांग्रेस में नहीं, तुम नौकरी छोड़ के चले आओ। अच्छा अच्छा, एक चीज और, जैसे भी साहब बता रहे थे कि पटनायक साहब को राजनीति में लाने का योगदान आपको भी है। पटनायक, जेबी पटनायक, जेबी पटनायक हाँ, जेबी पटनायक मेरे को 79 में बोला ज्वाइन कर लो हाँ। लेकिन मैं नौकरी में कुछ प्रॉब्लम था, नौकरी नहीं छोड़ा मैं, निजो मेरे को हाइड किया। अच्छा, हेल्प हुआ हाँ। देन समवन केम अगेन, दे फोर्स मी टू क्विट द जॉब। उस समय तो एमपी को सैलरी वगैरह नहीं मिलती हाँ, मिलता है उस समय मिलता था, मिलता था, क्योंकि शास्त्री जी उस समय सब सबको कुछ कुछ बहुत नॉमिनल है, बहुत नॉमिनल पेंशन नहीं था शायद, पेंशन नहीं, पेंशन नहीं था नहीं। तो बहुत कठिन था, बहुत कठिन था हाँ। तो फिर मेरे को प्रेशर चालू रखा जी, तो मैं 87 में नौकरी छोड़ दिया। अच्छा, मैं सारा चाहूंगा एक बार आपका गांव देखने आऊं। चलो, आई ऑलवेज इनवाइट। मैं आपके वहां के जो शहीदों की मिट्टी है, ठीक है, शहीद स्तंभ है, दैट इज ए पब्लिक, गवर्नमेंट पब्लिक प्लेस डिक्लेयर हो गया, पर्यटन स्थल। अच्छा, हो गया। चूंकि सर मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब में, तो आज के युवा को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, शहीदों के प्रति उनकी क्या भावना हो और देश के लिए क्या करें? ना, मैं सोचा कि आज का नौजवान शहीद के ने देश के हित के लिए कोई नहीं सोचा है, दे किसी ढंग से देश स्वाधीन हुआ, मैंने वो बात बोल सकेंगे, फ्री में बोल सकेंगे, लेकिन अंग्रेज का टाइम वो तो फ्री बोल सकते नहीं जी। वो भावना अभी आजकल का बच्चों को मालूम नहीं है, बोलने की आजादी नहीं, आजादी थी, नहीं है, हाँ। वो समय आजादी नहीं थे। तो आप युवा लोगों को क्या बोलना चाहेंगे, आपके स्टेट के युवा, मतलब क्या करें कि देश युवा लोग को सोचने के, हम दे शुड बी इंडिपेंडेंट टू स्पीक फ्रीली फ्रैंकली जी सर। और साथ में सर, जैसे देश हमारा आगे बढ़ा के लोग देश के लिए, दे शुड बी ऑलवेज प्रिपेयर टू सेव द कंट्री फ्रॉम अनऑथराइज माने इंटरफेरेंस। सर, आपको निमंत्रण कर रहा हूँ, आप वो स्थल परिदर्शन करके आपको व्यू ले लीजिए। जी सर, मैं अवश्य चलूंगा आपके वहाँ के शहीदों की मिट्टी को माथे से लगाने के लिए। सर, आपने बात किया हमसे, ये मेरा सौभाग्य है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम जरूर चलेंगे और फिर मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद सर, थैंक यू।